तो हेलो डॉलर जी, अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को भी लास्ट पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो एक आपके पास ये क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है? इसका सॉल्यूशन निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है ना? अपने आप आपको मिल जाएगा। और इसका मैं टोटल बस आपको बता सकता हूँ, 1,97,000 आएगा, ठीक है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो आप लोग अपना बना के चेक करिएगा कि आपका हो पाया कि नहीं हो पाया, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट के बारे में आपको पता है, बैलेंस शीट किस लिए बनाते हैं? बैलेंस शीट बेसिकली इसलिए बनाई जाती है कि हमारी फाइनेंशियल पोर्शन हमें पता चल सके कि आखिर हमारे पास जो भी लाइबिलिटीज है वो इतनी है कि अगर हम अपनी एसेट्स को जितना रिलीज है सब कुछ खत्म कर दें तो हम अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, बैलेंस शीट बेसिकली क्या है, हमें दिखाती है कि हमारे पास कितनी जिम्मेदारियां हैं और कितनी हमारी एसेट्स है, संपत्ति है। पहले लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी ऑज एज ऑन दिस डेट। उसके बाद हम अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज है वो यहाँ पे शो ऑफ करेंगे। सबसे पहले इसमें वैसे जो ये नीचे दिखा रखा है कैपिटल, आप सबसे पहले कैपिटल को सबसे ऊपर दिखाओ, क्योंकि सबसे पहले भाई अगर हम किसी की, मुझे एक चीज बताओ पहले, तो वैसे तो देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि घर वालों की जो लाइबिलिटी है वो सबसे आखिरी में दिखाई, बाहर वालों की जिम्मेदारी बाहर। भाई अगर किसी का मेरे को अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आपके पास क्या क्या जिम्मेदारी है, तो पहले मैं मेरे घर वालों के प्रति जो जिम्मेदारी है वो मैं सबसे बाद में बताऊंगा, पहले मैं आउटसाइडर के प्रति बताऊंगा। तो उसी तरीके से जो ये बैलेंस शीट बनती है वो कंपनी या फार्म की बनेगी। उसने सबसे पहले बताया कि हमें इतना पैसा हमने क्रेडिटर से लिया हुआ है, उधार सामान खरीदा हुआ है जिसको पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स हमारे वो होते हैं जो हमारे सप्लायर है, जिनसे हमने सामान खरीदा उन्हें सप्लायर उन्हें क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। तो सप्लायर्स की जिम्मेदारी जितने भी हमारे पास अभी तक इस साल के एंड तक बची है उधारी, वो हम यहाँ पे दिखा देंगे टोटल। उसके बाद बिल्स पेबल, जितने भी हमें बिल्स पे करने हैं अभी वो हमारी लाइबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी हमारे पास अभी बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का अकाउंट एक ऐसा जिसमें हमने ओवर पैसा ले लिया है, वो यहाँ पे दिखाएंगे, जिसको हमें पे ऑफ करना है बैंक को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो ऐसे खर्चे हैं जो हमारे पास क्या है, हमने उसका बेनिफिट तो अभी मतलब हमारे पास क्या, हमने उसका बेनिफिट तो ले लिया खर्चे का, लेकिन उसे पे ऑफ नहीं करा। एक्सपेंसेस हमने पे ऑफ नहीं करे अभी तक, हमने उसका बेनिफिट ले लिया है, लोगों से काम करवा लिया लेकिन उसकी सैलरी नहीं दी अभी तक, पूरा महीना हो चुका है। तो वो मेरे लिए क्या जिम्मेदारी है जिसे मैं नेक्स्ट ईयर पे करूंगा, करेक्ट है ना? ऐसे खर्चे, मॉर्गेज लैंड, जो मॉर्गेज करा हुई लैंड है जिसको मैंने गिरवी रखा हुआ उसका पेमेंट करना है ना, वो जो लोन वगैरह मैंने लोन वगैरह लिया है तो लोन मेरे को पे ऑफ करना है। रिजर्व, अगर कोई रिजर्व हमने बना के रखा हुआ है इन फ्यूचर के लिए, कोई भी अनसर्टेनिटी के लिए, तो वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद ओनर की लाइबिलिटी के बताने के बाद किसकी लाइबिलिटी आ जाएगी, ओनर की। जो ओनर है उसे हमें इतना पैसा देना है, ओनर का नाम नहीं लिख सकते इसलिए कैपिटल है, नहीं तो यहाँ पे लिखा होता है ओनर का नाम जो इस कंपनी का ओनर है, उससे अब कंपनी ने पैसे लिए थे जितने वो यहाँ पे लिख दिए। अगर इस साल उसने मेहनत अच्छी करी है और उसे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो फिर ये ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर लॉस हुआ तो भैया तूने गलती कर दी तो तू ही भुगतान करेगा। ओनर मेहनत कर रहा है ना, अगर ओनर के हाथ में बागडोर दी एक कंपनी ने अपनी, तो अगर उसने कुछ मेहनत करके फायदा निकाला तो उसकी उसके हिसाब में जुड़ जाएगा। कंपनी कहेगी हम उतने पैसे देखो और दे देंगे भाई, लेकिन अगर लॉस हुआ तो भी भरपाई तुम ही करोगे क्योंकि तुम्हारे डिसीजन की वजह से लॉस हुआ है, करेक्ट? अगर लॉस हुआ तो लेस हो जाएगी क्योंकि उसी की भरपाई वो करेगा ना, उसकी कैपिटल रिड्यूस हो गई। अगर मान लीजिए ओनर को 1,000 रुपए देने थे कंपनी को, अगर फायदा हुआ 200 रुपए का तो 1,200 रुपए हो जाएगी, 1,200 रुपए आप कंपनी के, हम तुम्हें 1,200 रुपए देंगे। और अगर लॉस हुआ 200 रुपए का, तो भैया तुम्हारी वजह से हुआ तो 200 रुपए तुमसे माइनस करेंगे, तुमसे लेंगे भरपाई करेंगे इस लॉस की, 800 रुपए तुम्हारी कैपिटल हो जाएगी अब, क्लियर? इसके बाद अगर तुमने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कुछ सामान इस्तेमाल कर लिया था, तो भैया तुमने जो तुमने जो हमें हमने तुम्हें तुम्हें इतने पैसे दे रहे थे, अब उसमें से वो हिसाब माइनस कर लेते हैं। और क्योंकि लेस इनकम टैक्स, अगर मान लीजिए आपका इनकम टैक्स, आपका पर्सनल इनकम टैक्स हमने पे ऑफ करा है, तो भाई यहाँ पे भी माइनस होगा, कंपनी से पे ऑफ करा तो इनकम टैक्स भी माइनस हो जाएगा। बिल्कुल, ड्रॉइंग्स होगी ना वो भी एक किस्म की। फिर उसके बाद कैश इन हैंड, बैंक पता ही आपके, आप ये आपकी एसेट्स हो जाएंगे, आपके हाथ में कितना, आपके ऑफिस में कितना पैसा रखा हुआ है, आपके बैंक में कितना पैसा है। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, कितने बिल्स आपको, बिल्स का पेमेंट मिलने वाला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह होता है ना, जो जिनका पैसा मिलने वाला है जिनसे आपने बिल्स बनाए हुए,
डेटर्स जो भी आपके कस्टमर है, ऐसे कस्टमर जो जिनसे आपको पैसा आना है, जिनको आपने सामान बेचा है और उधार में बेचा है, उनका पूरा डिटेल यहाँ जाएगा। इन्वेस्टमेंट, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए, आपने किसी के कंपनी के कोई भी इन्वेस्टमेंट डिपेंचर्स खरीदे हुए, जिसका जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आगे आपको फायदा मिलेगा, तो आपकी क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी, ठीक है ना। आपने आपके पास जो बचा हुआ स्टॉक रखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का असर दो जगह आता है, एक कहाँ आता है, एक आता है प्रॉफिट लॉस में, और एक आता है आपका मतलब एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक आता है आपका बैलेंस शीट में। वहां पर आने का मकसद क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट जानना, और यहाँ पे आने का मतलब मकसद क्या है कि आखिर मुझे पता चले कि यार कि मेरे पास साल खत्म हो गया और अभी तक कितना संपत्ति और रखी हुई है, तो स्टॉक भी मेरी संपत्ति ऐसा ही है, तो वो पता चल जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिनका फायदा अभी आपने नहीं उठाया लेकिन पैसे दे दिए, जैसे कि रेंट, आपने जाके खड़े हुए और आपने रेंट पे कर दिया, अब रेंट दे तो दिया लेकिन रहे तो नहीं हो ना, और जब तक रहोगे नहीं तब तक उस खर्चे का आपके पास लायबिलिटी नहीं थी। अगर मान लीजिए मैं आज जाके रहता हूँ कहीं पर और मैंने 1,000 रुपये किसी को दे दिया और आज ही मैंने दे दिए, तो अगर मैं नहीं रहा तो मैं 1,000 रुपये उससे वापस ले सकता हूँ ना अपने खर्चे को, पैसा वापस, अगर मेरे टर्म्स एंड कंडीशन ये नहीं है, मैंने बोला है कि मैं आपको पहले दे रहा हूँ लेकिन उसने बोला है आप तो महीने के बाद दे सकते हो, मैंने उससे पहले दे दिया, तो अब मैं अगर मैं नहीं रहता हूँ, मुझे पसंद नहीं आता हूँ, उसे बोल सकता हूँ ना मेरे पैसे वापस कर दे, तो जब तक मैं वो पूरा महीना नहीं रह लूंगा तब तक के लिए मेरे लिए क्या है, वो एसेट है मेरी, क्योंकि मेरा पैसा उस इंसान की जेब में रखा हुआ है, उस इंसान की जेब में रखा हुआ ना हल्को ही, जब तक मैं नहीं रहूंगा तो वो मेरी एसेट ही है, मुझे उससे पैसा लेना है वापस, लेकिन जिस महीने जिस दिन जिस जब वो खर्चा रिडीम हो जाएगा उस टाइम पीरियड को मैं बिता लूंगा पूरे महीने पर, तब मैं उस खर्चे को खत्म कर लूंगा अपने बुक से, वो मेरी एसेट, सॉरी एसेट घटा कर तो उसे क्या बुक कर लूंगा खर्चा, तब तक तो मेरा एक्सपेंसिस बुक नहीं हो पाएगा। फर्नीचर फिक्चर्स तो आपको पता ही है फिक्स एसेट से, प्लांट मशीनरी एसेट से, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट से, बिजनेस प्रेमिसेस एसेट है, बिल्डिंग मतलब बिजनेस की, ठीक है ना। पेटेंट्स ट्रेडमार्क, पेटेंट ट्रेडमार्क मतलब आपने अपनी कंपनी का पेटेंट और ट्रेडमार्क्स ले रखा है, तो फिर वो भी उसका भी पैसा गया है, क्योंकि उसके बेस पे हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, वैसे एसेट कमा एसेट है वो, गुडविल हमारी एसेट, गुडविल एसेट क्यों है, वैसे गुडविल जो है वो हमेशा नहीं आती, गुडविल जब दिखाई जाती है अपने बुक में जब आपका बिजनेस ना बिकता है, जब अपना बिजनेस सेल आउट होता है ना, तो ये एसेट, लेकिन एसेट में क्यों काउंट करी जा रही है, कैसे पता चलेगी इसकी वैल्यू का, कैसे, देखो गुडविल, गुडविल का मतलब तो समझ में आता है ना, गुडविल का मतलब क्या होता है कि यार आपकी वैल्यू मार्केट में क्या है, वही वैल्यू दे, उस वैल्यू को आप एसेट में कैसे तोड़ रहे हो भाई, एक चीज बताओ, तुम्हारे पास ये सब चीजें रखी हैं, ये कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन क्या गुडविल कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ये तो आपका क्या है, वैल्यू है, ये तो आपकी क्या है मतलब एक दिमाग, ये तो माइंडली मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कि भैया मेरे मार्केट में इतनी वैल्यू है, मार्केट मार्केट रेपुटेशन है, लेकिन इसको आप पैसे के फॉर्म में कैसे तोलोगे, ये कब तुलता है, जैसे मान लीजिए अभी एक पर्सन मेरे पास आया और मेरा ना मेरा एक क्लिनिक है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरा एक क्लिनिक है, और उस क्लिनिक में मैं काम कर, मेरा मेरा अपना क्लिनिक है, अब हुआ क्या, मेरे को लगा कि यार मेरे को अब ये क्लिनिक बंद कर देना चाहिए, लेकिन मेरी मार्केट बहुत बढ़िया है, मेरे को ना हर साल कुछ नहीं तो 1-1 लाख रुपए का फायदा होता ही है, 1 लाख 1 लाख रुपए 2-3 साल से हो ही रहा है। अब मैंने कहा मैंने इसे बंद कर रहा हूँ, इतनी देर में एक मेरे पास आए प्रतीक जी, उन्होंने बोला आप इस बिजनेस को बंद कर रहे हो तो मत करो, मेरे को ये नाम दे दो, आप मुझे ये नाम दे दो, मैं आपका नाम इस्तेमाल कर लेता हूँ, राइट, आपका नाम इस्तेमाल कर लेता हूँ और आप मुझे बताओ कितने का ये होगा, तो मतलब कितना पैसा मुझे आपको देना है, तो मैं बोलूंगा ना देखो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास ये लाइबिलिटीज है ये पे ऑफ कर दो, आप मेरे पास इतनी जिम्मेदारी है ये पे ऑफ कर दो, और जो मेरी एसेट की कीमत है मैं बताऊंगा, मेरे पास बोलूंगा मेरे पास इतना फर्नीचर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, उसकी कॉस्ट निकाल के मैं बताऊंगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, ये पैसा मुझे चाहिए आपसे, ये पैसा मुझे दे दो, उसने बोला ना कि आप सबको जैसे ही छोड़ दो, बस मुझे आप अपना सबको दे दो, देने के बाद मेरे को उसने ये तक बोल दिया कि नाम भी दे दो, तो नाम देने से क्या होगा, मैं बोलूंगा देखो अगर तुम ये नाम ले रहे हो तो एक चीज बताओ, अगर रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का भी मालिक चेंज हो जाए तो क्या उसकी बिक्री बंद हो जाएगी, नहीं होगी बंद, ठीक है ना, या आपको कोई ऐसी कंपनी का नाम पता चल जाए जिसका ओनर का तुम्हें नहीं पता लेकिन उसकी कंपनी का नाम पता है, तो लोगों को तो पता ही नहीं ना ओनर चेंज हो गया, कंपनी तो अलग से चल रही है, राइट, लेकिन हाँ
क्योंकि क्योंकि उसकी मार्केट रेपुटेशन ऐसी है कि वो 3 4 साल आगे के फ्यूचर के चलती रहेगी। जैसे ये भी बंदा क्या बोल रहा है कि देखो यार, मैंने इतने टाइम से मार्केट बनाई है, तुम मेहनत नहीं भी करोगे ना, 2 साल तक वो प्रॉफिट कमाओगे जो मैं कमाता, और वो प्रॉफिट इसलिए कमाओगे क्योंकि मैंने बहुत पीछे मेहनत करी है, वो मेरे नाम की वजह से लोग बाग आएंगे, मेरे नाम की वजह से रेगुलर क्लाइंट तुम्हारे पास आएंगे, रेगुलर तुम्हारे पास खरीदेंगे सामान। हाँ, 2 साल या 3 साल के बाद जो तुम डिसीजन लोगे उसका असर तुम्हारे मार्केट में आता रहेगा, लेकिन 3 साल तक का इम्पैक्ट तो, या 2 या 3 साल का इम्पैक्ट तो मेरे मेरे बने वजह से तुम्हें प्रॉफिट होगा। तो जो 3 साल तुम प्रॉफिट कमाओगे मेरे नाम के बेस में, वो मुझे पैसा आज ही दो, मुझे तो आज ही पैसा चाहिए ना, वो भाई आगे चल के मैं कमाता हूँ उस प्रॉफिट को क्योंकि मैंने मेहनत करी है पीछे, वो मुझे तुम आज ही दो। वो कैसे निकलेगा एक्सपीरियंस को देख कर कि कितना प्रॉफिट मुझे हर बार हो रहा है। उसका एक तरीका है, वो नहीं डिटेल करेंगे डिस्कस, लेकिन हाँ वो पास रिकॉर्ड को देख करके निकालता है कि आखिर मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा था, तो आप मुझे इतना पैसा अभी दो क्योंकि 2 साल तक आप कमाओगे मेरे नाम के बलबूते, तो उसका पैसा भी मुझे अभी दो। तो उसे इसी इसलिए गुडविल जो कैलकुलेट होती है, वो कब वो कैलकुलेट होती है, जब बिजनेस बिकता है, ठीक है, वहां पे नाम का बिकना भी कैलकुलेट होता है। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस शीट के बारे में। कभी कभार वर्टिकल बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोल दी जाती है। वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो पहले क्या होगा, ऊपर एसेट आ गए, जिसमें पहले करंट एसेट्स आ गई। करंट एसेट्स कौन सी होती है, वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, पैसे के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे बोलते हैं करंट एसेट्स। जैसे कि ट्रेड स्टॉक, स्टॉक जो है वो इतना रखा होता है आपके पास जो 1 साल के अंदर बिक जाए, कभी भी 4 5 साल का स्टॉक तो नहीं खरीद के रखते, तो इसलिए उसे करंट एसेट में रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि जो भी स्टॉक होता है आपका, वो हमेशा इतना होता है कि 2 या 3 महीने में बिक जाएगा, 4 महीने में बिक जाएगा, 6 महीने में बिक जाएगा, 6 महीने का स्टॉक पहले बढ़ गया, तो इसका मतलब 1 साल के अंदर अंदर वो कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटर्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने 4 साल का भाई उधार दे दिया, 1 साल का उधार दे दिया, 1 साल के बाद में दे देना पैसे, ऐसा नहीं होता। 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, करेक्ट है। तो इसका मतलब है ये भी ऐसी एसेट है जो हमारे विद इन ईयर कन्वर्ट हो जाएगी कैश में। प्रीपेड एक्सपेंसिस भी ऐसे होते हैं। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम कौन सी होती है, इसे भी एसेट के रूप में बोला गया है। एक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ, इनकम पैदा हो गई लेकिन मिली करेक्ट है ना, इनकम पैदा तो हो गई लेकिन मिली नहीं, मतलब क्या है, ऐसा कौन सी इनकम। हाँ, सैलरी तो हम नहीं कंपनी में बोलेंगे, रेंट बोल सकते हैं, कि जैसे मुझे रेंट मिल रहा है, आपने मुझे रेंट देने के लिए बोल दिया कि भाई मैं रेंट दे दूंगा आपको, लेकिन आपने अभी तक दिया नहीं, तो एक्रूड तो हो गया, आप रह गए वहां पर लेकिन आपने पैसे अभी तक नहीं दिए, तो इसका मतलब वो मेरे लिए क्या हो गया, एक्रूड हो गई। बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, ये सारी चीजें जो है वो 1 साल के अंदर विद इन ए ईयर लिक्विड फॉर्म मतलब कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसलिए से करंट एसेट बोला जाता है। बैंक तो है ही, करंट लाइबिलिटीज, इसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो। करंट लाइबिलिटीज वही होती है जो 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है, सेम सेम। क्रेडिटर्स, आपने जिनसे सप्लायर से सामान खरीदा है उनको आपको 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करना होगा। बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट भी यही होता है कि भाई जो आपने ओडी लिमिट ली है, वो ऐसा नहीं होता है 2 साल के लिए 3 साल के लिए दे दिया, नहीं, वो तो विद इन ईयर होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो नॉर्मली होते हैं, एक एक महीने, दो दो महीने के होते हैं, कि आपने एक इस महीने का खर्चा आउटस्टैंडिंग कर दिया, फिर अगले महीने पे कर दिया। फिर इसमें से फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट मतलब जो 1 साल से ऊपर तक आपके साथ रहेगी, आपके पास वो एसेट रहेगी लिक्विड फॉर्म में, तब तक कन्वर्ट नहीं होगी। जैसे कि गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, आपने एक बार खरीद लिया और सालों साल तक आपके साथ रेवेन्यू कमा के दे रहे हैं, ठीक है ना। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारी फिक्स एसेट होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैंने बताया दिया, बोथ ओनरशिप एंड ओनर्स एंड अदर्स आउटसाइडर्स, इन सब की लायबिलिटी निकाल दो। लोन्स, टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस कर दो इसमें से, तो आपको ये निकल के आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, जितनी भी कैपिटल है, ठीक है ना, बोथ ओनर्स एंड आउटसाइडर्स, जितना ही पैसा लगाया उसमें से लॉन्ग टर्म डेब्ट्स माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स माइनस कर दो और लोन्स माइनस कर दो, वो हमारी नेट एसेट्स आ जाएगी। फिर उसके बाद होती है रिप्रेजेंटेटिव बाय, रिप्रेजेंटेटिव बाय मतलब ओनर्स की कैपिटल रिजर्व दोनों को ऐड करके शेयर होल्डर फंड आ जाता है। तो ये आपका क्या होता है, वर्टिकल वे में बनाने का तरीका होता है। अगर आप वर्टिकल बैलेंस शीट बना रहे हो तो इस तरीके से उसे डिजाइन। रिजर्व तो आपका क्या हुआ, जो आपने इन फ्यूचर के लिए रखा है, और सरप्लस मतलब प्रॉफिट होता है, जो पैसा बचा एक्स्ट्रा। रिजर्व हुआ जो आपने एक एक्स्ट्रा किसी
पर्पस के लिए जैसे हो सकता है आपको अनसर्टेनिटी, आप भी एक चीज तो होती है, एक होता है कि आपने पूरा प्रॉफिट का बेनिफिट अपने आप ले लिया, और एक होता है आपने थोड़ा सा पैसा निकाल कर रख लेते हैं, कभी भी कोई परेशानी है तो उसमें से इस्तेमाल कर, तो वो रिजर्व होता है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। थैंक यू सो मच।